रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 14वां दिन है। रूस के हमले के बाद लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है, जिसके बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने जानकारी दी है कि चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिमोट डेटा ट्रांसमिशन खो गया है। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी को डेटा संचारित नहीं कर रहा है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोका कोला कंपनी ने रूस में अपने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के लिए रूस निर्मित लड़ाकू विमान देने के पोलैंड के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रूस के हवाई हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। रूस द्वारा यूक्रेन पर हवाई हमले जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हवाई हमलों में 22 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि रूस की ओर से हवाई हमला देर रात सोमी शहर पर किया गया था। मारे गए लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। ब्रिटेन ने बुधवार को रूस के खिलाफ नए विमानन प्रतिबंधों की घोषणा की है। खबर के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि प्रतिबंध में रूस या नामित व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़े किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व संचालित या चार्टर्ड विमान शामिल हैं, और इसमें रूस से जुड़े व्यक्तियों के स्वामित्व वाले किसी भी विमान को रोकने की शक्ति शामिल होगी।